कहीं ना कहीं यहाँ से मशाल जो रैली है वो निकाली जा रही है, वो क्योंकि यहाँ पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया है, या उस बिल कहा जाए कि पारित होने वाला, यहाँ से एक रैली निकाली जा रही है जो गवर्नमेंट हाउस की तरफ कहीं ना कहीं जाएगी। इस वक्त जो गुजर कहा जाए, ट्राइबल्स कहा जाए, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके साथ इस वक्त जुड़ी हैं, और यहाँ पाचू रुबेरा बैक साइड से कहीं ना कहीं यहाँ से अभी जो रैली यहाँ से जो है वो निकाली जाएगी और कहीं ना कहीं राज्यपाल के ऑफिस तक जो है वो कहीं ना कहीं, जहाँ राज्यपाल का घर कहा जाए, वहाँ तक ये रैली जो है वो जाने की कोशिश जो है वो करेगी। मैं आपको दूसरी तरफ की ये दृश्य आपको बता देता हूँ। ये जो दृश्य है इस वक्त देख लीजिए, यहाँ से अभी जो अभी ये रैली निकाली गई है और कहीं ना कहीं ये दूसरी तरफ जाने की जो कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से लगातार जो लोग हैं इनकलाब की अगर लोगों की बात की जाए तो ये लोग सभी के सभी ऐसे जो लोग हैं जो इनके साथ इस वक्त चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सब जाने की जो कोशिश करेंगे। देखिए इनके पास मैंने पहले आपको बताया मशाल्स हैं और कहीं ना कहीं यहाँ से उपराज्यपाल के ऑफिस तक जाने की कोशिश की है। मैं इनसे जानने की कोशिश ये मुझे बताइए कि आज रैली उपराज्यपाल के ऑफिस तक जा रही है, आखिरकार कारण क्या है? कारण यह है कि जैसा कि आप जानते हैं, इस बार एक शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के खिलाफ एक बिल टेबल हो रहा है। जो लोग रिजर्व नहीं करते हैं उन्हें भी रिजर्वेशन दी जा रही है, तो हमें यही अप्रिहेंशन है कि उसे बिल को पास ना किया जाए। हम चाहते हैं कि बिल को पास ना किया जाए, उसे ड्रॉप किया जाए और उस पर कोई डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर ना। क्या आपको लग रहा है जिस तरह से पार्लियामेंट में मेजोरिटी पूरी भारतीय जनता पार्टी है वो रोकेंगे बिल को? हम यही बात कहना चाहते हैं कि ब्रूट मेजोरिटी का गलत इस्तेमाल ना करें, उसका गलत यानी फायदा ना उठाएं, क्योंकि उससे आपने देखा ये इसी तरह का फायदा उठाया मणिपुर के अंदर, और मणिपुर के अंदर आज क्या हालात है, इसी किस्म के हालात गालिबन सरकार यहाँ भी पैदा करना चाहती है। लेकिन हमने लोगों को समझाया बुझाया कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे। अमूमन मुझे ये बताइए, आम लोगों को जिस तरह से आप हैं और भी ऐसी कम्युनिटी होगी, क्या नुकसान है उनको? नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि उसी रिजर्वेशन जो पहले रिजर्वेशन मिल रही है उसी में दूसरे लोगों को जब दाखिल करेंगे जो डिजर्व नहीं करते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब जिस तरह से जनरल कैटेगरी के बहुत से लोग, जैसे कि जी डी शर्मा साहब की कमीशन की रिपोर्ट जो है उसने रिकमेंड कर दिया है, ब्राह्मण को भी, कोहली को भी, सईद को, जो बड़े ऊंची ऊंची जातों के लोग हैं उन्हें भी रिकमेंड कर दिया है, जो किसी भी तरीके क्वालिफाई से तो संविधान से खेलने की बिल्कुल ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बात है, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बात है। तो इसको लेकर आज उपराज्यपाल ऑफिस तक आप जा रहे हैं, क्या लग रहा है जाने देंगे आप? अगर नहीं जाने देंगे कोई बात नहीं, हमने तो यानी हमारी कोशिशें जारी रहेंगी जब तक इंसाफ हमें नहीं मिलता, जब तक हुकूमत को हम मजबूर नहीं कर देते कि वो इंसाफ करे लोगों के साथ, तब तक हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे। चाहे सरकार जो भी करना चाहे, जो हमसे अगर ज्यादती करना चाहे वैसा करके देख ले, हम अपने हकूक के लिए लड़ते रहे। पहले भी बहुत सी जो कोटे में कैटेगरीज के हिसाब से इन्होंने कटिंग बहुत सी कर दी है, उसमें बहुत सा नुकसान दिया है, बहुत ज्यादा। तो जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को बरगला रही थी, गुजर बकरवाल को लेकर कह रही थी आपको कहीं ना कहीं दर्जा दिया जाएगा, उनको किस तरह समझाएंगे? देखिए, दर्जा तो हमें 1991 का मिला हुआ है, लेकिन अब यह कहा था कि आप लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट दे दिए गए हैं, आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दी गई है, आपकी रिजर्वेशन को पूरी तरह इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन साथ में ही अगर और दूसरे लोगों को जोड़ दिया जाए तो जो हमें पहले हासिल था वो भी जाता रहेगा। देखिए, जी डी शर्मा गो बैक की बात कर रही है,
और इनसे भी जानना चाहूंगा। अब यहाँ आए, आप यहाँ एक तरफ आए, आप कहीं ना कहीं मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे, आप बताइए। मैं आरडी थापा, अंबेडकर युवा संगठन जम्मू कश्मीर की तरफ से। थापा जी, क्या लग रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी अब लोगों की इमोशन से खेलना शुरू कर दिया उन्होंने? साथी सर, ये तो बात बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ जो इसको पीछे इसे कवर करते हैं, जो इसको चलाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को, लगातार इस देश के जितने भी मूल निवासी हैं, चाहे एससी एसटी ओबीसी जमनाटी के जो भी लोग हैं, लगातार उन पर अत्याचार हो रहे हैं। पहले तो मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा था, मुस्लिम के ऊपर टारगेट, जैसे हम देखते थे कि जम्मू कश्मीर सेफ था, जम्मू कश्मीर के दलित सेफ थे, लेकिन अभी जब से ये बीजेपी ने 370 धारा जम्मू कश्मीर से तोड़ी है, तो जहां जो दलित हैं इस पे लगातार एट्रोसिटीज बढ़ रही है। तो अभी आप देख लो कि जम्मू कश्मीर में अगर आप पूरा डाटा सर्वे करोगे तो 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के जो दलित हैं उन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। जिस तरह से कोई चीज सर, जैसे कि पहले तो एक हमारे इधर मढ़ के पास एक ऐसी कम्युनिटी के लोगों का घर जला दिया गया वहां पे, फिर हमारी एक सरपंच थी कमलेश देवी किश्तवाड़ में, उनको टॉर्चर किया गया। हमारे मेघोवाली आरसपुरा में गांव है, वहां पे कुछ लोगों द्वारा सो कॉल्ड अप्रकाश थे, उन्होंने मतलब जहां तक बोल दिया कि जो ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं इनको पानी तक नहीं दिया जाए, इनके खेतों में बुआई ना की जाए, ट्रैक्टर वालों को मना कर दिया, दूध देने के लिए मना कर दिया। एक केस हो रहा था जिस स्कूल में बच्ची पढ़ती थी उस बच्ची को भी कहीं ना कहीं मारा गया था। बिल्कुल सर, ये एक नहीं अनेक केस है जो ये 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के दलित समाज को जो मतलब तोहफे के तौर पर मिल रहे हैं, और लगातार जैसे प्रॉपर्टी टैक्स लगा, जी बोलिए, अभी जो ट्राइबल बिल लाया गया है हम इसका भी विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो इस ट्राइबल बिल से नुकसान क्या है आपको बताएं। देखो सर, ये एक मतलब कि जैसे 370 जब तोड़ा गया था तो इनको दिखाया गया था कि ये 370 टूटने के बहुत फायदे होंगे, और फायदे हमें देखने को मिल रहे हैं। आज हमारे ऐसे हद से बदतर हालात हो गए हैं, जो एक मजदूर वर्ग है वो उसको मतलब कि काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उसको मतलब कि बिजली का बिल हो गया, जो हमारे वो प्राइवेट कर दी गई, हर चीज के लिए हमें सफर करना पड़ रहा है, तभी जो ट्राइबल बिल आ रहे हैं इसके तो फायदे दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नौकरियां बंद कर देगी, अब कोटा बंद किया जा रहा है, अब कहीं ना कहीं जातिवाद, देखिए जात की बात की जा रही है, अब आपका जो कोटा है वो कहीं और बांटा जाएगा, कर क्या रही है? देखो सर, जातिवाद, हम तो कहते हैं कि हम इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। हमने जब इनका वेलकम किया था, जब इन्होंने 10% जो अदर बीकर सेक्शन वाले लोग थे उनको 10% रिजर्वेशन दे दी, हमने उसका वेलकम कर दिया, लेकिन हमारे हक हकूक हमसे छीने जा रहे हैं, हमारी जो रिजर्वेशन है वो खत्म की जा रही है। रिजर्वेशन प्रमोशन 6-7 साल से केस चल रहा है, और जहां तक कि वो पीछे बहाल भी हो गए, लेकिन जहां की जो न्याय प्रणाली है वो उसको लागू नहीं कर रही। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ये जीडी बख्शी के नारे क्यों लगा रहे हैं, ये कारण क्या है? देखो, कारण क्या है कि यही मतलब जो भी केस कोर्ट में चल रहा है, तो जीडी बख्शी जैसे वो आए हैं, तो इनका यही कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं होने वाली, क्योंकि इनका पीछे भी रिकॉर्ड रहा है कुछ, तो इनका यही कहना है कि उसको रोल बैक, उसको वापस भेजा जाए, लटका के रखेंगे। हाँ, लटका कर रखेंगे। बहरहाल देख लीजिए, आपने पूरी बात सुन ली। सबसे बड़ी बात, आज कहीं ना कहीं मशाल रैली लेकर ये सभी युवक जो है वो सड़कों पे उतरे हैं, और कहीं ना कहीं इस वक्त उपराज्यपाल यहाँ पर उनका घर है, यानी कि पांच तीर्थ की तरफ ये लोग इस वक्त जा रहे हैं। और हम आपको बता दें, इस वक्त पुलिस कोशिश यही करेगी कि इनको आगे ना जाने दिया जाए। दूसरी तरफ के आपको दृश्य बताएंगे, ये दृश्य निकले हुए हैं और कहीं ना कहीं जा रहे हैं, और जो छेड़खानी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इनके साथ हो रही है, तो छेड़खानी के खिलाफ ये अभी रोष जो प्रकट करते हुए लोग आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर जरूर आएंगे। आप देखिए, दूर तक कहीं ना कहीं, मैंने पहले आपको बताया, अंधेरा हो चुका है, मशाल रैली लेकर इस वक्त युवक यहाँ से निकले हैं, और कहीं ना कहीं लगातार ये लोग युवक अभी चल रहे हैं। अभी एक व्यक्ति और है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, आप कहाँ से हैं, मुझे ये बताया? मैं डिस्ट्रिक्ट मोने चासिल सुरनपुर से। आखिरकार क्यों, कारण क्या हुआ यहाँ? ये जो अभी अपर कास्ट लोग हैं जिनका हम पहले से ही मुकाबला नहीं कर रहे थे, उनको एसटी में शामिल किया जा रहा है,
और किस कदर यानी कि कैसे अपर कास्ट के लोग जो पहले से ही हमारे ऊपर राज करते रहे हैं, जिनकी हम गुलामी करते रहे हैं आज तक, उनको इसमें शामिल किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये हमारा कर्ज मार्च है। शामिल मतलब जनरल कास्ट को जो आपके पास आपके साथ शामिल है तो गलत है ये? बिल्कुल, जनरल कास्ट है उसमें मनास है, राजपूत है, ब्राह्मण है, सैयद हैं, जिनको हम पवित्र जाते हैं, अपने अपने मजहब मानते हैं, उनको एसटी में शामिल किया जा रहा है, जो कि हमारे साथ सरासर पार्लियामेंट में अभी बिल लगाया देंगे। हाँ, पेश होगा, बिल पेश होने वाला है, उसमें अपर कास्ट को शामिल किया जा रहा है, जबकि हम पहले ही अनपढ़ थे, अब थोड़ा थोड़ा थोड़ी बहुत राहत मिली थी 370 के बाद, अब थोड़ी बहुत राहत मिलनी थी और उम्मीद भी थी कि हमें और मिलेगी, लेकिन बदनसीबी से अपर कास्ट के लोगों ने इसमें शामिल उनको शामिल करना शुरू कर दिया है, जो हमारे लिए बहुत ही दुखी खबर है। दुखी खबर है जी। तो इसमें क्या लग रहा है कि आपके हमारे जो बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होगी? ऑलरेडी पढ़ लिख कर जब नंबर आते थे तो नंबरों में कटौती हो जाती थी। हाँ। या उनको लगता था कि इनको कोटा मिल जाएगा इस वजह से? हाँ, इस वजह से हमें थोड़ा बहुत कोटा मिलता था, उसमें हमारे बच्चे छोटे मुलाजिम से हो जाते थे, और इन लोगों के बच्चे जो पहले ही जम्मू में, श्रीनगर में, दिल्ली में, उन जगहों में पढ़ते हैं, हम उनके साथ मुकाबला किसी हालत में नहीं कर सकते। तो अगर उनको ये जो रिजर्व कैटेगरी में शामिल किया गया तो फिर तो किसी हद तक हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हाल देख लीजिए, सुन लिया आपने किस कदर ये जो मोदी सरकार इस वक्त काम कर रही है, पार्लियामेंट में एक बिल लाया जा रहा है कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी पहले किसी के पास था, अब उसका हिस्सा काट कर किसी और को देंगे। ये मोदी सरकार जो काम है वो कर रही है, आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, अगर ये सड़कों पे नहीं होते, ये अपने घरों में होते, अगर ये बिल पार्लियामेंट में पारित ना होना होता, अभी ये बिल पार्लियामेंट में पारित होना है, उससे पहले ये जोरदार जो प्रदर्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, जम्मू से आप दृश्य देख रहे हैं, आपको ये वीडियो किस तरह की कैसी लगी अपनी राय जो है जरूर रखिएगा।